हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था विविध एक्सरसाइज, और विविध एक्सरसाइज के अंदर आपने क्वेश्चन देख लिए थे, क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक, है ना। अब अपन अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन सॉरी 1 to 7 कंप्लीट हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा हुआ है। यदि ए आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट में दी हुई है, कितना दिया हुआ है, माइनस का 2, माइनस का 1 और ये 1, माइनस का 1, 7 और ये माइनस का एक्स, 1, 4 और ये माइनस का 3। एक सममित आवयव है, क्या लिखा हुआ है, एक सममित आवयव हो तो, सममित आवयव हो तो x ज्ञात करो, है ना। जो x वाला एलिमेंट है इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन करते हैं। देखो इस प्रश्न में आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, सममित आवयव। अब ये आपको ये मालूम होना चाहिए कि सममित आवयव क्या होता है। तो सममित आवयव में जब मैंने आपको बताया था तो इसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई थी, है ना। तो वापस से मैं लिख देता हूँ, सममित आवयव, सममित आवयव, सममित आवयव में कंडीशन होती है कि ए बराबर ए ट्रांसपोज होता है ना। पहली कंडीशन मैंने आपको ये लिखवाई थी, और फिर एक और, ये पहली कंडीशन मैंने आपको नोट करवाई थी, और सेकंड कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है, ये लिखवाया था। तो इसी वाले से कंसेप्ट से हो जाएगा ये वाला प्रश्न। देखो ए बराबर ए ट्रांसपोज होता है, तो ए अपने को मैट्रिक्स फॉर्मेट में कितना, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स अपने को ए फॉर्मेट में गिवन है। अब इसका मैं ए ट्रांसपोज कर लूँ और दोनों को मैं क्या कर दूँ, बराबर कर दूँ, ठीक है। तो इस वाले कंसेप्ट का अपन यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने ए ट्रांसपोज को ज्ञात करूंगा तो क्या हो जाएगी, पहली वाली पंक्ति पहले वाले सम में परिवर्तित हो जाएगी। तो माइनस का 2, माइनस का 1 और ये 1, माइनस का 1, 7 और ये 4, 1 माइनस का x और ये माइनस का 3। तो ए ट्रांसपोज आपके पास मैट्रिक्स फॉर्मेट में ये आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण एक जो प्रश्न में गिवन था और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को अपन क्या कर दें, बराबर कर दें। तो जैसे ही अपन बराबर कर देंगे, समीकरण बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि सममित की कंडीशन यही होती है ना, सममित आवयव कहीं पे भी आए तो ये वाली कंडीशन लगाना अति आवश्यक है। तो समीकरण एक व दो को बराबर करने पर, है ना, बराबर बराबर करने पर, जैसे बराबर करेंगे ए बराबर ए बराबर ए ट्रांसपोज, तो ये वाला पूरा मैट्रिक्स और ये वाली पूरी मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हो आप, यहीं से देखो आपको दिखाई दे रहा है कि माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस का 4। तो ऐसे कर लो आप, अच्छे से लिख लो आप, माइनस 1, 1, माइनस 1, 7 और ये माइनस का एक्स, 1, 4, माइनस का 3 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे के बराबर, ए ट्रांसपोज के बराबर। तो माइनस का 2, ये माइनस का 1 और ये 1, माइनस का 1, 7 और ये 4, 1 माइनस का x और ये माइनस का 3। इसकी तुलना कर दो, है ना, तुलना करोगे तो देखो अननोन एलिमेंट क्या है, ये वाला है, तो इसकी तुलना आप इससे करोगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 4, है ना। तो यहाँ लिख सकते हो तुलना करने पर, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9th, इसको आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9th को अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इस वाले प्रश्न को अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, देख लो। a बराबर आपको दिया हुआ है माइनस 2, माइनस 1 और ये 1। सेकंड मेथड भी देख लेना, माइनस 1, 7 और ये माइनस का x था, 1, 4 ये माइनस 3। तो सबसे पहले ये वाले जो एलिमेंट है, जो अननोन है, इसी का तो मान ज्ञात करना था। तो इसकी पोजीशन सबसे पहले बताओ भाई, ऑर्डर कितना है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा। इसको अपन ऐसे तो लिखेंगे a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। जब भी 3x3 की मैट्रिक्स आती है तो इसको अपन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये वाला एलिमेंट आपको ज्ञात करना था, है ना। तो इस वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ये a, a32 अपन ने लिख लिया, ठीक है।
तो अपन ने एक नोट, सेकंड वाला नोट मैंने क्या पढ़ाया था, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, ए थ्री टू इज इक्वल टू ए टू थ्री होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, है ना भाई। इसी को तो आपको ज्ञात करना है भाई, इस वाली पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट है इसी एलिमेंट को तो आपको ज्ञात करना है। इस एलिमेंट को ज्ञात करना है तो इसकी पोजीशन मैंने लिख दी, क्या लिख दी, ए थ्री टू। ठीक है, तो ए थ्री टू बराबर क्या होता है, जब भी सममित आवयव होता है तो ए ए आई जे बराबर ए जे आई, तो इन दोनों को आपने चेंज कर दिया ए टू थ्री। तो ए टू थ्री के ऊपर जो एलिमेंट की वैल्यू होगी वही इस पूरे का मान होगा। ठीक है, ए टू थ्री के ऊपर वैल्यू कितनी है, ए टू थ्री के ऊपर वैल्यू कितनी है आपके पास, ए थ्री टू के ऊपर वैल्यू कितनी है, ए थ्री टू के ऊपर वैल्यू माइनस का एक्स है, और ए टू थ्री के ऊपर वैल्यू कितनी है, फोर है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, बात आ रही है समझ में। सेकंड मेथड में अपन ने क्या कर दिया, इस कंसेप्ट का यूज किया अपन ने। ठीक है भाई, अपन जानते हैं ये दोनों बराबर होते हैं, तो ए थ्री टू के ऊपर वैल्यू कितनी थी, माइनस का एक्स, और ए टू थ्री के ऊपर वैल्यू कितनी थी आपके पास, फोर। तो फोर पुट कर दिया तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का फोर। ऐसे भी लिख सकते हो आप आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेगा अपना क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, तो लिखो क्वेश्चन नाइन्थ, इसको नोट कर लेना आप। देखो आपको आव्यूह बी दिया हुआ है, और ये स्मॉल बी आई जे, और इसका आपको ऑर्डर दिया हुआ है 3/3 की आव्यूह है। और आपको क्या एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि बी आई जे ये जो अवयव है ना उसको आपको किसकी फॉर्मेट में लिखना है, आई और ये जे। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको 3/3 की आपको मैट्रिक्स बनानी है ना। सबसे पहले आपने क्या किया, सॉल्यूशन देखो 3/3 ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स लिखनी है। तो सबसे पहले देखो पहला एलिमेंट, चूंकि ये बी की फॉर्मेट में, तो पहला एलिमेंट B11 B12 B13 होगा कि नहीं होगा, द्वितीय वाली पंक्ति में B21 B23 बी सॉरी B22 B23, और तीसरी वाली पंक्ति में B31 B32 B33। बोलो होगा कि नहीं होगा, इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 की ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी। अब आपको B11 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, B12 वैल्यू पुट करनी है, सभी की वैल्यू पुट करनी है, तो ये मैट्रिक्स भी आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, ये क्या हुआ है, आपको कंडीशन दी हुई है, ये आपको दिया हुआ है। तो अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, B11 की। तो यहाँ पे 1 और 1 पुट करेंगे, जब भी तो आपके पास B11 की वैल्यू प्राप्त होगी। तो आपको ये वाली जो कंडीशन दी हुई थी इसके अंदर आपन ने क्या रखा, आई बराबर, पहली कंडीशन क्या है, आई बराबर 1 रखूँ, जे बराबर 1 रखूँ, तभी तो B11 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो आई बराबर 1 व बी बराबर सॉरी जे बराबर 1 रखने पर, तो जैसे ही आपन ने बी बराबर 1 और जे बराबर 1 पुट करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, B11। बोलो कितना जाएगा, 1 और 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी तो 1 और 1 रखना मजबूरी हो जाएगी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही सेकंड नंबर पे आपने क्या किया कि आई बराबर कितना पुट कर रहे हैं, किसकी रिक्वायरमेंट आ रही है, 1 और 2 की, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या रखूँ, 1 और 2 पुट करूँ, तो अब आई बराबर क्या पुट करूँ, 1 और ये 2, आई बराबर 1 व बी बराबर 2 रखने पर, ये रखोगे। तो यहाँ पे आई बराबर आपने 1 रखा और बी बराबर कितना पुट किया यहाँ पे, सॉरी जे बराबर कितना पुट किया, 2। तो बोलो कितना जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 पुट करो, 1 और 2 कितना जाएगा, 2। ऐसे ही तीसरे नंबर पे बोलो आई बराबर कितना, किसकी रिक्वायरमेंट आ रही है, B13 की। देखो आपके पास B11 आ चुका है, कितना आ चुका है, 1। B12 का मान आपके पास आ चुका है, 2। आपके पास किसकी जरूरत है, B13 की। तो B13 के लिए यहाँ पे कितना, आई बराबर 1 पुट करना पड़ेगा व जे बराबर 3 पुट करना पड़ेगा। तो आई बराबर आपने कितना पुट किया, 1 व जे बराबर कितना पुट किया, 3 रखने पर। तो बोलो कितना जाएगा, B13 कितना जाएगा, 1 × 3, तो बोलो 3 प्राप्त होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही आपको सभी
जितने भी अवयव हैं सभी एलिमेंट की आपको वैल्यू पुट करके रखनी है ना। समझ जाओगे आप? तो मैं डायरेक्टली पुट कर दूं क्या? चलो कि कैलकुलेशन आप कर लेना। तो बी वन वन का मान कितना आ रहा है? ये वन, ये वन। बी वन टू का मान दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा? टू आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तीन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी टू आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? फोर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? सिक्स। यहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू कितनी जाएगी? तीन। और यहाँ पे सिक्स। और यहाँ पे कितना जाएगा? नाइन। 3x3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स आपको मिल चुकी है ना। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के बाद क्वेश्चन नंबर अपन टेंथ का सॉल्यूशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है प्रश्न में। इतना नोट कर लेना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर दसवा क्या है? देखो आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए बराबर, क्वेश्चन नंबर टेंथ में, यदि ए बराबर आपको दिया हुआ है टू माइनस वन थ्री, टू माइनस फोर थ्री, ये दिया हुआ है। इसका क्रम कितना है? टू इंटू थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और बी बराबर आपको दिया हुआ है माइनस वन, ये थ्री माइनस का फाइव, ये टू फोर माइनस का सिक्स हो तो सिंपल ही क्वेश्चन है ये, हो तो ए प्लस बी ट्रांसपोज ज्ञात करो, ये प्रश्न आपसे पूछा है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। आपसे क्या पूछा है? ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए आपको फॉर्मेट में गिवन है, ठीक है। बी ट्रांसपोज और अपन ज्ञात कर लें, तो ये बी ट्रांसपोज बोलो कितना हो जाएगा? माइनस वन थ्री, सॉरी ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर कितना है? 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका जैसे ही अपन ट्रांसपोज करेंगे जो पहली पंक्ति वो पहले हिस्से में जाएगी, माइनस वन और ये टू, थ्री फोर माइनस फाइव और ये माइनस सिक्स, बोलो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स मिल रही है? बी ट्रांसपोज आपको मिल रही है 2x3 ऑर्डर की, ठीक है। अब इन दोनों का योग करना है, इसको समीकरण एक बोल दो, इसको समीकरण अपन दो बोल दें। समीकरण एक और दो का योग करने पर तो क्या लिखो? समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो इन दोनों का अपन एडिशन करेंगे, ए प्लस बी ट्रांसपोज, बोलो ए ट्रांसपोज कितना है? टू थ्री माइनस फोर, माइनस वन टू थ्री, प्लस बी ट्रांसपोज कितना है? माइनस वन टू थ्री फोर माइनस फाइव फोर ये सिक्स। इन दोनों का एडिशन करने से कितना संगत अवयव आपस में एडिशन हो जाएंगे? टू प्लस माइनस वन कितना? वन। ये थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा। माइनस फोर प्लस माइनस फाइव कितना? माइनस का नाइन। माइनस वन और ये प्लस का टू कितना हो जाएगा? वन। टू प्लस फोर कितना हो जाएगा? सिक्स। और थ्री प्लस सिक्स कितना हो जाएगा? नाइन। ये आपके पास मैट्रिक्स आ चुकी है इन दोनों के योगफल से, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स आ रही है। इसका ऑर्डर कितना था? 2x3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स, 2x3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स। तो एडिशन करेंगे जब भी 2x3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स आपको मिलेगी, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर टेंथ आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर इलेवंथ लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवंथ, इसको मैं रफ कर दूँ। सिंपली क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर टेंथ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। लिखिए क्वेश्चन नंबर इलेवंथ, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? ए मैट्रिक्स को अपने को सममित व विषम सममित अवयव योग के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो ए आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स रूप में कितना है? सिक्स फाइव टू फोर, यह आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है और इसको आपको सममित व विषम सममित अवयव रूप के योग के रूप में लिखना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपको जब भी मैंने एक नोट लिखवाया था कि कोई किसी भी अवयव को, देखो वर्गाकार अवयव को आप सममित व विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हो। मैंने आपको नोट क्या लिखवाया था, नोट क्या लिखवाया था, उस नोट को वापस से लिख देता हूँ कि वर्गाकार अवयव को, वर्गाकार अवयव अवयव को सममित व विषम सममित, विषम सममित अवयव
योग के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक। मतलब ये जो वर्गाकार आवयव है, ए वर्गाकार ही है, देखो 2/2 को, इसको अपन सममित, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज, और विषम सममित ए माइनस ए ट्रांसपोज के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अभी इन दोनों को यदि अपन जोड़ेंगे तो ए ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस ए 2A हो जाएगा, लेकिन ये दोनों बराबर हो ही नहीं रहे, तो अपन ने क्या किया, 1/2 से कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 ए ट्रांसपोज और 1/2 ए ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हाफ ए और हाफ ए कितना हो जाएगा, ए, और ए इस वाले ए के बराबर हो जाएगा। अर्थात ये पूरा भाग सममित आवयव, और इसे क्या बोलेंगे अपन, विषम सममित आवयव के योगफल के रूप में अपन ने रख दिया। तो ये मेन इंपोर्टेंट, ये वाली लाइन इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब अपने को इसकी फॉर्मेट में, इस प्रश्न को इसकी फॉर्मेट में आपको जमाना है। तो ए आपको दिया हुआ है, ठीक है, ए ट्रांसपोज की और जरूरत आ रही है, तो ए ट्रांसपोज यहीं पे ज्ञात कर लूँ मैं। पहली पंक्ति को अब इस सम में परिवर्तित करूंगा तो ये 6/2 हो जाएगा, दिखते वाली पंक्ति को इस सम में परिवर्तित करो 5, और ये 4 हो जाएगा, है ना, कितने बाय कितने की, ये भी 2/2 ऑर्डर किया जाएगी। अब क्या हो रहा है, दोनों का एडिशन हो रहा है और दोनों का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सबसे पहले अब आपको किसकी जरूरत आ रही है, ए प्लस ए ट्रांसपोज की, तो मैंने क्या किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दूं मैं, दोनों को जोड़ दूं, अलग से जोड़ दूं, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए कितना दिया हुआ था, 6, 5, 2, 4, ठीक है, प्लस ए ट्रांसपोज, बोलो ए ट्रांसपोज कितना है, 6, 2, 5, और ये 4, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे। एडिशन करने के लिए भी रूल मैंने आपको बताया था, इन दोनों समीकरण के, सॉरी, दोनों मैट्रिक्स के क्रम आपस में बराबर होने चाहिए, दोनों के क्रम भी बराबर हैं। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, और 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, इसका क्रम भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो ए प्लस आपके पास ए ट्रांसपोज आ चुका है, ठीक है। अब आपको किसकी जरूरत आ रही है, 1/2 की भी, देखो ये 1/2 इस पूरे से गुणा हो रहा है, तो मैंने क्या किया, ये 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना आवश्यक हो जाएगा, तो ये 12 और ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है 1/2, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू सभी एलिमेंट से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल कितना आपके पास आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई करो 12 से, 6 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे करो तो ये 7/2 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे करो 7/2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अपन ने इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। इट मीन्स ये सममित आवयव का मान आपके पास आ चुका है 7/2 और ये 4, है ना, सममित आवयव आपके पास आ चुका है ये। अब आपको इस पूरे को कैलकुलेशन करके लिखना है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज करें अपन। अब अपन ने क्या किया, ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि जगह कम है ना, अब आपने क्या किया, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए कितना दिया हुआ है आपको, 6, 5, और ये 2, 4, माइनस ए ट्रांसपोज कितना था, 6, 2, 5, 4, तो दोनों को अपन माइनस करके लिख दें, इनके क्रम भी बराबर हैं, तो इन दोनों का व्यवकलन भी आसानी से हो जाएगा। संगत अवयव माइनस करो, 6 - 6 शून्य आ जाएगा, 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3, 5 - 2 कितना जाएगा, -3, और 4 - 4 कितना जाएगा, 0, ठीक है, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये किस, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज हुआ, ठीक है। अब आपको 1/2 भी तो चाहिए, तो 1/2 से मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो ये समझ जाना आप, ये 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो 0 ही तो आएगा, ये 0 हो जाएगा, -3/2, यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे 0 का 0, तो इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 2 बोल दी। अब समीकरण 1 और 2 को मैं क्या कर दूँ, जोड़ दूँ, है ना, तो इसी की फॉर्मेट में लिखना था तो इसी की फॉर्मेट में अपन लिख देंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, या फिर इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 कर दो, इसको समीकरण 3 दे दो आप, है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये भी लिख सकते हो आप,
इसको मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। समीकरण दो व तीन का मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या लिख सकते हो? समीकरण दो व तीन का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, समीकरण दो से अपन रखेंगे, बोलो कितना आ रहा है? 6, 7/2, 7/2 और ये 4, ये प्लस, और यहाँ से समीकरण तीन से वैल्यू पुट करेंगे अपन, कितना आ रहा है? 0, 3/2 माइनस का 3/2 और ये 0। तो संगत अवयव आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो बोलो 6 + 0 6 ही आएगा, ठीक है, इतना आएगा कि नहीं आएगा? इसको मैं रफ कर दूं, इतना आप नोट कर लो, कैलकुलेशन करके आप बता सकते हो, है ना। कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब यहाँ पे 7/2 और ये माइनस का 3/2 क्या जाएगा? 7/2 और ये माइनस का 3/2, और यहाँ पे बोलो कितना जाएगा? 7/2, 7/2 प्लस का 3/2 और 4 + 0, 4 + 0। तो अगली स्टेप बोलो कितनी हो जाएगी? ए इज इक्वल टू 6 किए गए 6, एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 एलसीएम आ जाएगा, 7 में से 3 के कितना बचेगा आपके पास? 4 बचेगा, और 4 में 2 का डिवाइड कर दोगे तो 2 ही तो आएगा। ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा? एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है, और 7 और 3 10, 10 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये 5 आ जाएगा, और ये कितना जाएगा? 4। तो फाइनल आंसर यही है, ठीक है। आंसर अपन चेक कर लेंगे, आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 ही था, क्वेश्चन नंबर 11 विविध के अंदर क्वेश्चन। अच्छा, ये यहीं पे फिनिश हो गया क्या? आपको आंसर ये दिया हुआ है, इसको अपन ने कैलकुलेशन करके इस फाइनल इसमें फॉर्मेट में लिख दिया अपन, है ना। आंसर ये दिया हुआ है आपका 6, 7/2, 7/2 4, 0, 3/2 माइनस का 3/2 और 0, है ना। आंसर आपको क्या क्या पूछा गया था? सममित व विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करना था, है ना। तो योग के रूप में आपन ने व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, ये सममित अवयव था और ये विषम सममित अवयव था, इन दोनों के योगफल के रूप में आपन ने यहाँ पे भी व्यक्त कर दिया। तो आंसर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, या कैलकुलेशन करके आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो आंसर, ठीक है। यहीं पे लिख देना आंसर, यहीं पे फिनिश कर देना, क्योंकि सममित व विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में अपने को आंसर को दर्शाना था, है ना। तो आपने दर्शा दिया यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में चार प्रश्न दिए हुए हैं, इसी के अंदर ही फर्स्ट भाग है, द्वितीय भाग है, तीसरा भाग और चौथा भाग, है ना। तो सिद्ध करने वाला प्रश्न है, देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 नोट करो उसको। अच्छा, इस प्रश्न का सेकंड मेथड भी है, उसको भी मैं बता देता हूँ, इतना नोट कर लिया ना आपने। इसको आप शॉर्टेस्ट वे में भी आप सोल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे अपन? सेकंड मेथड भी लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर ही, सॉरी 11th के अंदर, क्वेश्चन 11th का सेकंड मेथड, ए आपको दिया हुआ था 6, 5, 2, 4 ये दिया हुआ था, और आपको ए को ही सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखना था। तो सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा? वर्गाकार अवयव को सममित व विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में, योगफल के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। मतलब एक वर्गाकार अवयव को आप सममित
वह विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में इस टाइप से लिख सकते हो। तो ये तो पूरा सममित सममित आव्यूह और ये पूरा भाग विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह बोलो है कि नहीं है, इसके योगफल के रूप में अपन ने पुट कर दिया। अब देखो कहीं ना कहीं ए ट्रांसपोज यूज में आ रहा है, तो ए ट्रांसपोज मैंने ये पे ज्ञात कर लिया, बोलो 6 2 और ये 5 4 हो जाएगा। अब सारी वैल्यू अपन इसी में पुट कर दें क्या, ए बराबर ये 1/2, ये अपन ने ब्रेकेट लगा दिया ठीक है, ये वाला ब्रेकेट। ए आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कितना दिया हुआ है, 6 5 2 4। डायरेक्टली अपन यहीं पे पुट करके यहीं पे अपन एडिशन करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। ये आपको ए अपन ने मैट्रिक्स फॉर्मेट में रख दिया, फिर प्लस आ रहा है तो ये प्लस कर दिया, ए ट्रांसपोज आ रहा है तो ए ट्रांसपोज कितना है 6 2 5 4 मैट्रिक्स 1 और ये ब्रेकेट मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। इतना आया कि नहीं आया समझ में। फिर ये धनात्मक का चिन्ह लगाया, ये 1/2 वापस से रिपीट हो गया, फिर वापस से ये चिन्ह, ये वाला ब्रेकेट स्टार्ट हो गया। ए कितना था 6 मैट्रिक्स फॉर्मेट में 6 5 2 4 और ये मैट्रिक्स बंद हो गया और ये माइनस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज भी मैट्रिक्स की फॉर्मेट में था 6 2 5 4 ऐसे भी आप कर सकते हो ठीक है। बस आपको कैलकुलेशन करनी है, 1/2 को अभी बाहर ही रखो, कैलकुलेशन करो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मैट्रिक्स बंद और ये ब्रेकेट लगा दिया अपन ठीक है, ये प्लस की जगह प्लस, 1/2 की जगह 1/2, ब्रेकेट स्टार्ट किया 5 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में देखो, मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्मेट ही तो आएगी, तो ये वाला ब्रेकेट लगाना जरूरी है मैट्रिक्स का है ना। तो 6 माइनस 6 कितना 0 और 2 माइनस 5 कितना जाएगा माइनस का 3, 5 माइनस 2 कितना जाएगा 3 और 4 माइनस 4 कितना जाएगा 0। मैट्रिक्स वन ये ब्रेकेट अपन ने लगा दिया। अब ये कॉन्स्टेंट सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 12 कितना जाएगा 6 आ जाएगा और ये कितना जाएगा 7/2 और यहाँ पे कितना जाएगा 7/2 और ये कितना जाएगा 4 ठीक है। प्लस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें अपन, बोलो 0 माइनस का 3/2 और ये 3/2 और ये 0। इसी फॉर्मेट में आंसर था आपकी बुक के अंदर है ना, तो ये आपका आंसर आ चुका है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इसी फॉर्मेट में था, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 इसको आप नोट कर लो। नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है उसको भी अपन एक बार रीड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 को आपको ही सॉल्व करना है, मैं आपको हिंट बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको आव्यूह ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 -1 0 1 0 1 और ये 1 2 3 आपको आव्यूह दिया हुआ है। आपको सिद्ध क्या करना है, देखो चार भाग आपको सिद्ध करना है। पहला भाग क्या है सिद्ध करो, पहला वाला पार्ट क्या है ए ट्रांसपोज का, आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है ए। द्वितीय भाग क्या है आपको सिद्ध क्या करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है ना, ये आपको सिद्ध करना है ना। तीसरा पार्ट क्या है आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है और चौथा पार्ट क्या है ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू एक सममित आव्यूह, ये आपको सिद्ध करने है ना। तो पहले दो पार्ट ही अपन सोल्व कर लें। अब आपको क्या दिया हुआ है ये सिद्ध करना है, ये आपको दिया हुआ है बोलो इसका ऑर्डर 3/3 क्रम की ये मैट्रिक्स है ए, आपको ये सिद्ध करना है। तो ए तो आपको दिया हुआ है ना, ये RHS वाला, ये आपको ए ट्रांसफोज करना है, वापस से ए ट्रांसफोज करना है। तो ये तो मैंने आपको गुणधर्म भी पढ़ाया था, आपको लिखवाया था नोट के अंदर है ना। तो अपन सॉल्यूशन कर लें, तो इसका ए ट्रांसफोज करो आप, तो ए ट्रांसफोज करेंगे तो कितना हो जाएगा
पहली पंक्ति पहले स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगी, तो ये 2 1 और ये 1, द्वितीय वाली पंक्ति द्वितीय वाले स्तंभ में -1 0 और ये 2, द्वितीय वाली पंक्ति द्वितीय वाले स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगी, और तीसरी वाली पंक्ति तीसरे वाले स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगी, तो 0 1 3। इसका आप वापस से ए ट्रांसपोज कर लो, क्योंकि इसी LHS के अंदर इसी की तो रिक्वायरमेंट आ रही है, जो ए ट्रांसपोज आपके पास आ रहा है इसका अगेन अपन क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। तो अपन ने क्या किया, इसका अपन ने या फिर डायरेक्टली लिख लो यार, ए ट्रांसपोज का अपन ने अगेन ट्रांसपोज कर दिया, तो ट्रांसपोज कर देंगे तो वापिस से जो पहली पंक्ति थी वो पहले स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगी, 2 -1 और ये 0, और ये 1 0 1 और ये 1 2 3। वापिस से इसका ऑर्डर यही हो जाएगा, 3 बाय 3 ऑर्डर की है। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये कौन सी थी, ये ए वाली मैट्रिक्स ही तो है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज बराबर वापिस से ए। तो ये पहला वाला जो पार्ट था वो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, कि ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज किया तो कितना वापिस से वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी, तो ये हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, अब आपको सेकेंड वाला टाइप सोल्व करना है खुद, नहीं आएगा तो वापिस से पूछ लेना, है ना। तो इतना नोट कर लो आप। ना इसका पार्ट सेकंड, तीसरा पार्ट और चौथा फोर्थ वाला पार्ट आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। इतना आप नोट करने के बाद ये कोशिश करना, सिंपल ही है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको सममित आवयु सिद्ध करना है। तो सममित आवयु की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, उस कंडीशन का उपयोग करना है। और तीसरा वाला जो पार्ट है वो विषम सममित आवयु से संबंधित है, उसके लिए भी मैंने आपको कंडीशन लिखवा रखी है। और फोर्थ वाला पार्ट क्या दिया हुआ है, a इंटू a ट्रांसपोज, ये भी सिंपल, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसको आपको सममित आवयु सिद्ध करना है। मतलब टोटल मिला के बाद क्या है, सममित आवयु, ये वाला कंसेप्ट आप वापस से देख लेना क्या मैंने लिखवाया था, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, है ना। तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो वापस से इसका मैं सोल्यूशन तो बताऊंगा ही सही। इतना आप नोट करने के बाद आज की क्लास अपन यहीं पर फिनिश करते हैं, है ना।